नमस्कार, मैं हूं देवेंद्र गोरे और आप देख रहे हैं फुर्सत के पल आई एम भोपाल फेसबुक पेज पर। आज हमारे साथ हैं कीर्ति सगाथिया, जो कि बहुत ही अच्छे प्लेबैक सिंगर हैं, जिन्होंने आयार रहमान के साथ काम किया है। आइए हम उनसे बातचीत करते हैं, क्या है खास आज भोपाल में। नमस्कार भोपाल, मैं हूं कीर्ति सगाथिया और मैं आज आपके शहर आया हूं एक कॉज को लेकर, कैंसर पीड़ित पेशेंटों के लिए। संगीत जो है कहते हैं कि मरहम है जख्मों पर, दर्दों पर, तो अपने संगीत के ज़रिए मैं ऐसे दर्द और ज़ख्म को भरने आया हूँ। और मैं चाहता हूँ कि मैं अकेला नहीं हूँ, आप लोग मेरे साथ जुड़िए ये कॉज के लिए। कोई मूल नहीं है, कोई टिकट नहीं है, ऊपर वाले ने अच्छाई बनाई है तो अच्छाई का कोई मूल नहीं है। अच्छाई है आपके पास तो आइए मिलकर अच्छाई बांटते हैं इन लोग के साथ। कीर्ति जी, आपकी करियर की शुरुआत कैसे हुई, क्या कहानी है उसके पीछे? सी बेसिकली मैं एक फोक सिंगर परिवार से हूँ, तो गाना बजाना तो जब से होश संभाला है तब से है। मेरा ब्रेक थ्रू दली बली फिल्म आई थी, उसमें मैंने 3 गाने गाए थे राम संपत जी के लिए। पहली बार मैंने एक बड़े चेहरे के लिए गाया था, वो थे आमिर खान साहब के लिए, आई हेट यू लाइक आई लव यू। ये एक ऐसा गाना था कि ये बेसिकली दली बली एक जो फिल्म है वो म्यूज़िक ओरिएंटेड मूवी थी और काफ़ी कुछ एक्सपेरिमेंट हुआ था उसमें। ये आई हेट यू लाइक आई लव यू ये कवाली थी, ओके, जो 80s के एरा को दर्शा रहे थे। वो जैसे ऋषि कपूर का था, मेरी उम्र के नौजवानों, इसको रिक्रिएट करना था बट आज का मॉडर्न। सो मैंने राम संपत सर ने जब कहा तो मैंने उस वक्त के गाने बहुत सुने, ऑब्जर्व किए कि अगर कुछ नया करना है तो कैसे करना है, और वो किया। देन उसके बाद पेंचर करके एक सॉन्ग था, वो उन्होंने बोला कि एक गिमिक है, नुसरत साहब अगर कोई कॉमेडी कवाली गाएंगे तो कैसा लगेगा। सो नुसरत साहब को बहुत सुना और लव्स इतने अच्छे थे, इतने मस्ती वाले थे। बेसिकली इट वाज अ सटायर कॉमेडी, यानी कई लोगों ने विरोध भी किए बट आज का मॉडर्न सिनेमा है। अगर 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 हमारी यूथ को हमको वापस लाना है तो हमको उनके जैसा ही परोसना पड़ेगा ताकि हम उनका जो अटेंशन है, फोकस जो है वो हम खींच सके हमारे। और दली बली वॉज अ बिग स्वीटी स्वीटी मैंने गाया था उसमें। सो राम सर ने मेरे को एक बात कही थी कि जब मैंने ये गाने गाए थे ना, उसके बाद कुछ 6-7 महीने तक आमिर सर जो है अपने दोस्तों को लेकर पहुँच जाते थे बिना बोले उनके स्टूडियो, और गाना सुनाते थे और बोलते थे यार ये लड़का कमाल है, ये कमाल है। और उनका एक तरीका है, वो सुनते हैं, फिर एक बार लगा अरे यहाँ से वापस लगा। सो ये सब राम सर ने मेरे को कहा कि आमिर सर जो है वो हर अल्टरनेट डे आ जाते थे और हर किसी को सुनाया ये गाना। सो दैट वाज माय टर्निंग पॉइंट। उसके बाद आमिर सर के लिए सत्यमेव जयते टाइटल मैंने गाया है, फिर फुकरे करके एक फिल्म आई थी उसमें मैंने गाया है, दो गाने मैंने गाए, एक कैलाश जी के साथ गाया है, एक सोलो गाना है मेरा उनके साथ उस फिल्म में। फिर गुरु करके एक फिल्म आई थी रहमान सर के लिए। तो लाइक 2007-2006 मेरे लिए एक नया मोड लेकर आया था। Okay. मैंने आपके मैक्सिमम इंटरव्यूज़ पढ़े हैं जिसमें आप जॉनी लीवर को बहुत एडमायर करते हैं जी, क्या है उसके पीछे रीज़न क्या है? ही इज़ माई स्पिरिचुअल फादर एज वेल एज ही इज़ माई गॉड फादर। ओके, सो एक बेटी की तरह उन्होंने बैठा के मेरे को बॉलीवुड जो है वो बताया कि बॉलीवुड क्या है। सो अगर बहुत सारी ऐसी बातें हैं मेरे दिमाग में और मेरे दिल में जो उन्होंने कही है। एक किस्सा है, जब मैं उनके घर पे बैठा था, मैं उनको सिखाता भी था सो मुझे गुरु बोलते थे। उन दिनों में मेरे पास पैसे नहीं होते थे तो सीखते थे और मुझे पैसे देते थे कि इससे घर चलेगा। तो एक बार ऐसे ही सीखते सीखते उन्होंने बोला कि कीर्ति तुझे पता है बॉलीवुड क्या है? मैंने कहा नहीं सर मुझे बताइए क्या है। तो बोला एक स्पॉटलाइट होती है ना, जिस चीज़ पर पड़ी है ना वो चीज़ ज़्यादा दिखती है। ओके, सो एक स्पॉट है जो आप जहाँ जा रहे हो ना वो आपके पीछे चलता है, और एक होता है आप जहाँ खड़े हो और खाली स्पॉट घूमता है। बॉलीवुड जो है वो वैसे है, आप जहाँ खड़े हो वहीं पे रहेगा, आप वो स्पॉटलाइट को फॉलो नहीं कर सकते हो। ओके, स्पॉट घूमते घूमते आप पर आएगी। सो लोगों की नज़र वैसे है, आज आप पे है कल नहीं है, परसों है तरसों नहीं है, तरसों नहीं है चौथे दिन नहीं है, पाँचवें दिन नहीं है, 5 साल नहीं है। इसका मतलब ये नहीं कि वो वापस नहीं आएगी, वो घूम के फिर एक बार आएगी, क्योंकि संसार है
पृथ्वी का जो घूमना है, पृथ्वी का जो प्रकरण है वो घूमते रहता है। सो संगीत करियर है, कुछ भी है, आर्ट जो है वो घूमना है, वो एक बार घूम के फिर आपके सामने आएगा, बट गिव अप नहीं करना है। सो ऐसी बहुत सी अच्छी अच्छी चीज़ें हैं, बुरी आदतों से बचाए रखा है उन्होंने मुझे कि ये ऐसा क्षेत्र है कि जब लाइट आप पे आएगी तो बहुत कुछ लेकर आएगा, बुरी आदतें लेकर आएगी, बुरी संगतें लेकर आएगी। सो आपको कैसे उससे बचना है, तो उन्होंने अपने जीवन के संघर्ष मेरे साथ बांटे कि कैसे मैंने अपने आप को उन दिनों में बुरी लतों में डाल दिया था और मैं परिवार से दूर था। ऐसे सब बहुत बहुत सारे किस्से हैं जो शायद कोई आर्टिस्ट अपना शेयर करे, क्योंकि हर कोई डरता है कि शायद ये बोलूँगा तो बाहर जाके क्या। आज भी वो मेरे दिल में है, मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि बहुत ज़रूरी है एक गॉड फादर, एक स्पिरिचुअल फादर होना जो आपको गाइडेंस कर सके। और मैं अपने आप को भाग्यशाली मानता हूँ कि मेरे लिए जॉनी भाई थे, अभी एक सुबी सैमुअल करके है जो इंडियन फैशन इंडस्ट्री के बहुत ही लीडिंग फोटोग्राफर है। सो ये इनके तजुर्बे मुझे मदद करती है कि अगर मैं कभी नाराज़ होता हूँ तो वो मुझे बूस्ट करता है, अरे नहीं है, हम रेस में हैं। ओके, एक लास्ट सवाल जी। आपने बहुत सारे म्यूजिशियंस के साथ काम किया है, साजिद वाजिद, AR रहमान, और तो AR रहमान के साथ कोई ऐसा किस्सा, क्योंकि बहुत शान स्वभाव के हैं और काफ़ी नाइट में भी वो मैक्सिमम टाइम रिकॉर्डिंग करते हैं, कोई ऐसा वाकया है AR रहमान साहब के साथ? रहमान साहब अगर खड़े भी हैं ना तो आप कुछ सीख सकते हो। ओके, बिकॉज देर इज़ अ लॉट ऑफ लर्निंग फ्रॉम रहमान सर, बिकॉज ही इज़ अ लिविंग इंस्टीट्यूट, नॉट ओनली म्यूजिक, कैसे जीना है। लाइक अगर वो कहीं पे जाते भी है तो शोर शराबा नहीं होता है, बहुत प्यार से निकल जाते हैं। इतने बड़े म्यूजिशियन होने, म्यूज़िक डायरेक्टर होने के बावजूद मैंने उनको आसमान में नहीं देखा। मैं अगर उनके स्टूडियो में जाता हूँ तो पैर में वही चप्पल जो हम पहनते वैसे चप्पल रहते हैं और घर के कपड़े। ऐसा नहीं है कि वो आए तो चार पांच लोग आवे हटावे, ऐसा मैंने नहीं देखा। सो आई हैव लर्नड अ लॉट फ्रॉम हिम, एंड म्यूज़िक भी मैंने एक चीज़ बताऊँगा कि मैं अभी पिछले साल से मैंने संगीत देना शुरू किया है, तो माय लर्निंग इज़ फ्रॉम हिम। सो एक चीज़ मैंने उनसे सीखी है कि जो गाना डायरेक्टर को पसंद नहीं आता है ना तो वो उसे हटा ही देते, पूरा गाना वो फ्रेश कंपोज करेंगे, उस गाने को तोड़ मरोड़ नहीं करेंगे। अगर डायरेक्टर, अगर प्रोड्यूसर बोले भी कि रहमान सर ये गाना अच्छा है आप इसको कुछ बदल दीजिए, तो वो बोलते हैं कि नहीं, आई विल मेक अ फ्रेश सॉन्ग, है ना। तो क्या होता है ना कि हम जो अच्छी चीज़ बनी है ना, लाइक इट इज़ लाइक अगर आपने केक बनाई है तो केक जो बन गई है उसमें अगर आप सोचिए कि अभी इसमें मैं शक्कर डालना भूल गया हूँ या इसको पाइनएप्पल वाला केक बनाओ, तो आप उसको तोड़ मरोड़ के उससे पाइनएप्पल केक नहीं बनेंगे, आप उसका स्वाद लेंगे ही लेंगे किसी और ओकेशन में, बट पाइनएप्पल केक के लिए आप अलग से पाइनएप्पल केक बनाते हैं। सो लाइक मैं फूडी हूँ और मेरे ये सारे लर्निंग्स जो है वो ऐसे है, तो रहमान सर से मैंने ये सीखा है। चलिए सर, आपका लंच वेट कर रहा है, तो जाते जाते एक सॉन्ग भोपाल के फैंस के लिए। तेरे नूर के दस्तूर में ना हो सलवटे ना शिकन रहे, मेरी कोशिशें तो है बस यही रहे, खुशबुए गुलशन रहे, तेरी जुल्फ सुलझाने चला, तेरे और पास आने चला, जहाँ कोई सुर ना हो बेसुरा वो गीत मैं गाने चला, है जुनून है तेरे इश्क का ये जुनून है, रग रग में इश्क तेरा दौड़ता, ये बावरा सा खून है, तूने ही सिखाया सच्चाइयों का मतलब, तेरे पास आके जाना मैंने जिंदगी का मकसद, सत्य में जयते, सच्चा है प्यार मेरा सत्य में जयते। थैंक यू सो मच। ये थे कीर्ति सगाथिया, और अगले एपिसोड में हम जल्दी मुलाकात करेंगे एक नई शख्सियत के साथ। धन्यवाद।